सब भाइयों को ईद मुबारक हो। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। मैंने खासकर जो था वर्ल्ड योगा डे पर भी मिस किया और फोर्ट ग्रैंड वाला इवेंट जो था वो भी मैं नहीं अटेंड कर पाया। मेरा कुछ कमिटमेंट थी क्या हुआ था मैं अप कंट्री अपना दास निर्माण घूम फिर के आया हूँ। तो अभी आप लोगों को मैं मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। और कम्युनिटी है एक, और ये कम्युनिटी जो है क्या इंसान को रब तआला ने बनाया इसके लिए ना, एक दूसरे के साथ कम्यून करें। कम्यून करने का मतलब है कि मिल के एक दूसरे की फीलिंग को जो है उसके मुताबिक आप उसकी वेल बीइंग और वेल विशिंग के लिए आप कुछ ना कुछ करें। यानी आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपके लिए खुद ब खुद ही भलाई हो जाती है। ये नेचर का फिनोमेना है। तो हम मिस कर रहे थे, आज काफ़ी दिनों के बाद हम आए और हमने यहाँ पे आके ताज़ा नाजी जो है वो ली है। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, सारे लोग अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो बाकी लोग भी माशाल्लाह सारे एंजॉय कर रहे हैं, सुबह सुबह की एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अच्छा हो गया, सब लोग खुशियाँ मनाई, ईद मनाई। तो आज ईद के बाद हम फिर खुश होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। योगा हम सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए नहीं आते हैं, हम लाइफ को एक्सरसाइज करने आते हैं। बॉडी एक्सरसाइज तो एक बात है ना, थ्री डायमेंशनल कहते हैं हम इसको, और वाकई इसकी थ्री डायमेंशनल इफेक्ट है, इसका इम्पैक्ट है इसका थ्री डायमेंशनल। तो इसके लिए आप जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे के साथ आप जो भी मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, तो इससे आप जो है अपना इंसानियत को इम्प्रूव करते हैं। अमर जवान साहब जिन्हें अपने ख्याल कैसा, मुबारक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आ जाए। मैं तो आज सोच रहा था कि मैं साथ थोड़ा जोर लगाए, लेकिन ये शायद वो ईद के पहले दिन ही वहाँ पहुँच गया, खुद फैमिली के साथ इंजॉय करके आ गया और हमें पूछा था कि मुझे इसका गिला था। गिला भाई गिला, क्योंकि मुझे वो पोस्टर जो होता है ना सबसे अच्छी एक चीज़ लगती है जब ये आगर में कहते हैं कि राइट साइड पर सुन्नत तरीके से लेट जाए, वो पोस्टर बहुत अच्छा होता है। वो आज इन्होंने कराया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्तों का मेरा ऐसा हमेशा याद करते हैं। हमारे बुजुर्ग उस्ताद जो है वो बुजुर्ग के दर्जा रखता है। बहुत बहुत नवाजिश, इतना प्यार मोहब्बत, और ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी मेहनत का नतीजा है। ये दिन रात इतना काम करते हैं कि सुबह आदमी सोए हुए उठने का वक्त उठना पड़ता है कि भाई मैंने साहब से वादा किया है। सभी लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। और मैं तो सच्ची बात एक्सरसाइज करके नहीं आता ना, एक्सरसाइज होती है ना करता हूँ, आता हूँ थोड़ा सा हंसी खुदाक होता है उसी में इंजॉय करके। और बाकी वगैरह दर्शन ये जो कंवर साहब ने बात की कि हम जो यहाँ मिलते हैं सिर्फ एक एक्सरसाइज का तो योगा का बहाना होता है, एक्चुअली जो आपस में एक इंटरेक्शन, आपस में एक मिला, आपस में एक मिलना, यही एक योगा है हमारी। तो अशरफ साहब हमारे उस फाउंडर मेंबर्स में एक है। तो अगेन अशरफ साहब के लिए मुबारक साहब के बोलने के बाद गुंजाइश नहीं होती कि कोई और बात करें, और वो भी मैं बात करूँ बहुत मुश्किल बात है। हमारे पार्क के तमाम ही दोस्तों का ताबून बिरारी साहब के साथ रहा है, और हम PWC पाकिस्तान के साथ जब से मुंसलिक हुए हैं उसके बाद से हमारा पार्क सुल्ताना जौहर पार्क पूरी कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी पहचाना जा रहा है। हम अल्लाह पाक का बेहद शुक्र अदा करते हैं अपनी हैसियत को अलग रखते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो लोग इस एक घंटे
पार्क को देखकर, उस युवा को देखकर अपनी सेहत और अस्पतालों से दूर होते चले जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से यही विश्वास है कि इसको कंटिन्यू रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी पहले की तरह दोबारा कंटिन्यू हो जाऊँ। हम सब लोग ये मुबारक हो। हम लोग के योगा मेरा तकरीबन ये तीसरा साल है। मैं पहले यहाँ पिछले एक बार ब्लॉक टू में करता था, लेकिन जो योगा मुझे यहाँ पे देखने को मिला मेरा साथ से उनकी सरप्राइज है, मुझे बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय कर रहा हूँ। और उनका योगा का जो स्टाइल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, यूनिक है, जो स्टैंडर्ड लेवल से वो मीट करता है योगा की असल रूप की। मुझे बहुत अच्छा लगा। योगा तो एक बहाना है यहाँ पे देखे लोगों के साथ, बहुत अच्छे दोस्तों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो गया और मैं बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों को ईद मुबारक हो भाई। जिसने कुर्बानी की है उसको भी ईद मुबारक, जिसने कुर्बानी नहीं की उसको भी ईद मुबारक, जिसने गोश्त नहीं खाया उसको डबल मुबारक, जिसने दिया उसको भी मुबारक, जिसने नहीं दिया उसको मुबारक। साई मीरानी साहब ने कहा है कि योगा, देखें मैंने योगा को एज अ लाइफ महसूस किया। मैं कहता हूँ कि योगा इज लाइफ, लाइफ इज योगा। जो एक ऐसा आदमी को योगा में मिलती है ना, जब आप इतने दूर हैं तो उसमें देखे ना वो मल्टी डायमेंशनल एनर्जी आपको आती है। एक तो सुबह सुबह किसी भी पार्क में जाके बैठ जाना, मैं तकरीबन जब हैदराबाद रहता था तो 8 साल तक ऐसे जाके रानी बाग में बैठ जाया करता था, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ें सुनता था। फिर वो योगा वाले दोस्तों ने पकड़ लिया, फिर हम बात करते थे। जिस दिन मैं नहीं जाता था वो सारा मेरा घर नज़दीक था, वो आ जाते थे मेरे पास। तो रियली फीलिंग गुड। पर अल्लाह हमारे कारवां को और कार खैर को आगे बढ़ाए। योगा के लिए हम एक दूसरे से तो मिलजुल होती ही है, अच्छा भी फील होता है, डिस्कशन भी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने एक्सपीरियंस का आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 3-4 दिन आई बात है सेंट, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं कितने साल मैं लोगों से इतना अलग हुआ हूँ। और घर वालों ने मेरे को बोला आप और आराम करें, ये करें, मैं बोला ढांसा बोलने बोला जैसे वो, मैं आज तो योगा ज़रूर जाऊँगा, पोस्टर करूँ नहीं करूँ लेकिन दोस्तों से ज़रूर मिलूँगा। तो योगा जो है ना लाइफ चेंज करता है, सोशली फिजिकली उनके साथ कॉन्टेक्ट करें और उन लोगों को भी लें जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जो सुस्त हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी लेके आए। थैंक यू वेरी मच। वजह से जो है ना मेरी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई। मैं 2 साल से अलहमदिल्ला योगा कर रहा हूँ और मेरे छोटे भाई जो लेकर आए थे यहाँ पर, और आप यकीन करें कि मैं फील करता हूँ कि ये एनर्जी बॉडी में डेवलप कर देता है। ऐसी कि सुबह से उठे होते हैं शाम तक जो है ना बिल्कुल बॉडी एक परफेक्ट एनर्जी काम करती है। और सबसे बड़ी बात ये बिस्तर पर सोने के लेट हो तो मैं करवट लो नींद रहा है, ऐसी नींद आती है ज़बरदस्त किस्म की। और जो भी जिसम की बॉडी ली इंसान की जो उम्र बढ़ती है तो बॉडी जो उसकी जो है ना वो एजिंग होनी शुरू होती है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज की वजह से जो एजिंग होती है वो तो रुकती तो नहीं है लेकिन स्लो ज़रूर हो जाती है, और हम अपने आप को जो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही है कि भाई मैं इसको कंटिन्यू रखूँ और लोगों को भी इस बात पर तैयार करूँ कि वो लोग आए शामिल हों। और मैंने कहा भाई मैं मीरानी साहब को नहीं छोड़ सकता, मीरानी साहब की जो मोहब्बत है, जो मीरानी साहब जो इशार है, जो मोटिवेशन जो है ना, ये मैंने नहीं देखा अभी तक कि इतना टाइम लोगों को देना और लोगों को इस तरीके से बुलाना, तो ये मुमकिन नहीं है। बहुत उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा नहीं भाई मैं जो है ना मेरा जाना जो है वो ऐसा है बिल्कुल कि मैं उनसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं उनसे जुड़ा रहूँगा तो मैं एक्सरसाइज करता रहूँगा, मैं छोड़ दिया तो मैं एक्सरसाइज छोड़ दूँगा। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, सबको ईद मुबारक। और आज हम माशाल्लाह छुट्टी के लिए इंजॉय कर रहे हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था योगा तो उसमें सारे के सारे वैसे तो सीनियर्स थे और हम जूनियर थे, जैसे अजीम साहब ने फरमाया। अब बाजी साहब को हमने देखा तो बड़े खुश हुए कि मेरी जैसे सारा कुछ बारी के अंदर तो उसमें बड़ी अच्छी सी फीलिंग हुई। और यहाँ पर कुछ लोग और भी पुराने थे जब बॉस कराते थे और ख़ास करके फहीम साहब भी कभी कभी कराते थे, यहाँ साहब कराते थे, तो उसमें एक फीलिंग ये होती थी कि यार ये तो इतने सीनियर जब हाथ यूँ कर दिया तो अब मैंने कहा सज़ा मिल गई।
जी चाह के भाग जाऊँ यहाँ से। मैंने कहा नहीं यार बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो देन कंटिन्यू किया। उसके बाद कोविड का जो पीरियड आया वो बड़ा लर्निंग पीरियड था। उसमें बहुत से फिर फेसबुक पे जो थे आजम साहब थे और सबने मोटिवेट किया, तो हमने फेसबुक को फॉलो किया और योगा शुरू किया। मतलब हम जुड़े रहे अभी कभी कभी पार्क में वीरानी जब आती है, मतलब वैसे तो वीरानी साहब होते हैं वीरानी नहीं होते, तो ये खास बात है, तो एक शेर याद आता है, बेकसी सदमय हिजरा की मुझे ताब नहीं, बेकसी सदमय हिजरा की मुझे ताब नहीं, काश दुश्मन ही चले आए जो अहबाब नहीं। बड़ी अच्छी फजल साहब ने बात की कि सुबह जब हम आ जाते हैं एक घंटे के बाद, इसी तरह कमर जमान ने कहा कि अगर टीम हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो एनर्जी बूस्टर मिलता है, यू बिलीव और नॉट बिलीव, आप दुनिया की तमाम नेमतें खा ले, यानी जो भी मुरकन खजा कह ले, और कहते आपने एनर्जी ले ली, यू कैन नॉट। इस चीज़ को योगा को अगर आपने अवॉइड किया तो ये एनर्जी कभी नहीं मिली। तो एक घंटे की मीटिंग अभी पिछले तीन दिन मिस हो गया, कल पार्क बड़ा वीरान था तो मैं भी एक चक्कर लगा के गया, लेकिन एक इमरजेंसी आई मुझे जाना पड़ा, लेकिन कुछ दोस्तों ने यहाँ पे योगा सेशन किया वो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने पिक्चर भी अपलोड किया इमरान साहब ने, और बड़ी अच्छी सेशन थी लगी, छोटी मोटी जो भी है। उसके बाद बॉस जो कभी कभी अपने अपलोड करते हैं सोशल मीडिया की नवासे के साथ फ़ोटो या किसी के साथ दोस्तों के साथ, ठीक है पुराने दोस्तों के कॉलेज के साथ, वो बड़ा अच्छा लगता है कि हम उनसे भी ज्वाइन हो जाते हैं। दिस इज़ द वंडरफुल क्लब। और इसमें सबसे जो मतलब जो पुरानी बात नहीं कहेंगे, जो अपने अपनी बड़ी अच्छी बात करती है, वो तरफ अशरफ साहब।